मकस कहानियां पत्रिका के बैनर तले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शायर नावेद रजा दुर्गवी का उनके जन्मदिन के खास अवसर पर सम्मान से नवाजा गया। वहीं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य राज्यों से कवि शायर बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्री राम जी के ननिहाल धान का कटोरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहानी का हिंदी पत्रिका महिला कल्याण समिति बोकारो के बैनर तले भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का एक दिवसीय आयोजन दुर्ग के गंजपारा स्थित कैलाश मोटर्स के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी शायर, साहित्यकार और कवि शामिल हुए। हाँ खोलो खोलो। देखिए जोरदार तालियों को बज रहा है से निकल कर स्वागत है। इस दौरान मंच का संचालन करते हुए डॉक्टर रौनक जमाल अंतर्राष्ट्रीय अफसाना निगार उर्दू हिंदी अंग्रेजी के अदीब ने अपने शायराना अंदाज में सभा में उपस्थित सभी कवियों और शायरों के बीच अपनी बात रखी। इस दौरान कमला मोटर्स के संचालक व आयोजक रहे कैलाश बरमेचा, नवेद रजा दुर्गवी, श्याम कुंवर भारती, उत्तम चंद भंडारी, नरेंद्र वैष्णव शक्ति, जुनैद चंदन दास का सम्मान किया गया। बहुत तकलीफ है, समय पर बहुत ही तकलीफ उठाई थी जब वो तकलीफ कर रहे थे और देखिए साहब की कितनी तकलीफ आ कर आए और उनका क्या हुआ। बहुत बाहर की कोशिश समाए थक बुझाने की माता शारदे ज्ञान चक्षु खोल दे मेरे माँ शारदे हाथ रख सिर पर मेरे माँ शारदे हाथ तेरा सिर पर आए ऐसा जादू हो जाए दुख के बादल छक जाए सुख की वर्षा हो जाए सुख की वर्षा हो जाए माँ शारदे माता शारदे ज्ञान चक्षु खोल दे मेरे सरग दे करिए के धोवन चारों सूर जी मन मार मर मतारे ऐसन धरती मोरगी ऐसन धरती मोरगी अर्प तेरी महानदी जस गंगा धार बुहावत है वीर नारायण बस बेटा बर दाई दुहार लगावत है शर्म बगल जस बलिदानी शर्म बगल जस बलिदानी लदुलार सिरच रख जोर जी बर मारू मरु महतारी ऐसन धरती। गौरतलब है कि इस अवसर पर शायर और कवि नवेद रजा दुर्गवी को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ और बाहर राज्यों से आए कवि शायरों ने फूलों से सम्मान कर सिफारसनामा से नवाजा। इस दौरान मंच पर कैलाश बरमेचा, छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी मकस कहानी का प्रधान संपादक श्याम कुंवर भारती, रौनक जमाल, उत्तम चंद भंडारी, नरेंद्र वैष्णव, शक्ति जुवैद चंद दासगुप्ता, मुमताज भाई सहित अन्य लोगों ने शायर और कवि नवेद रजा का तहे दिल से इस्तकबाल किया। आज आपके बालिक महोत्सव की वजह से आज मेरा नाम धाम है उसके लिए आप कुछ भी हो आज बड़े साहब से शुरुआत की मेरी।
इधर देखो ना और खूबसूरत जो आपने सिपा ड्रामा बनाया, यहाँ से विनती करता हूँ इसे पढ़कर आप ही सुनाए तो ज्यादा मजा आएगा। आपके शब्द हैं बहुत अच्छा लगेगा। नरेंद्र राजा दुर्गवी छत्तीसगढ़ के कामयाब उभरते हुए नौजवान साइलेंट नरेंद्र राजा दुर्गवी ने कम उम्र में ही बहुत कम अरसे में राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल कर लिया है। यह कामयाबी बहुत कम साहित्यकारों को और कवियों को नसीब होती है। यह कामयाबी सिर्फ नरेंद्र राजा की कामयाबी नहीं बल्कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले छत्तीसगढ़ के हर साहित्यकारों एवं कवियों की कामयाबी है। नरेंद्र राजा को बकारे छत्तीसगढ़ का एजाज देखना अपने आप को मैं कैलाश परमेचा कमला मोटर्स परमेचा टेक्सटाइल तो को व्यापारी द्रुप छत्तीसगढ़ गर्वी महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। वो भी आए और नरेंद्र राजा जी का सम्मान करें। एडवोकेट श्री रमेश तिवारी जी एक मिनट के लिए शायर और कवि नवेद रजा दुर्गवी राष्ट्रीय सम्मान के साथ ही उनका जन्मदिन होने पर इस खास मौके पर सभी उपस्थित अतिथियों ने केक काटकर खुशियां बांटी और कार्यक्रम के आखिर में पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस दौरान नवेद रजा की माता और बहन ने भी गुलदस्ता भेंट किया। वहीं नवेद की मां ने गले लगकर बेटे को आशीर्वाद दिया। नरेंद्र राजा दुर्गवी छत्तीसगढ़ के कामयाब उभरते हुए नौजवान साइलेंट नरेंद्र राजा दुर्गवी ने कम उम्र में ही बहुत कम अरसे में राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल कर लिया है। यह कामयाबी बहुत कम साहित्यकारों को और कवियों को नसीब होती है। यह कामयाबी सिर्फ नरेंद्र राजा की कामयाबी नहीं बल्कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले छत्तीसगढ़ के हर साहित्यकारों एवं कवियों की कामयाबी है। हम नरेंद्र राजा को बकारे छत्तीसगढ़ का एजाज देखना अपने आप को मैं कैलाश परमेचा कमला मोटर्स परमेचा टेक्सटाइल तो को व्यापारी द्रुप छत्तीसगढ़ गर्वी महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। वैसे ही रहो ना सामने देखो। शायर व कवि नवेद रजा दुर्गवी का जन्मदिन होने के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मान भी किया गया और कैलाश मोटर के संचालक कैलाश बलपेंचा ने युवा और उभरते साहित्यकार कवि और शायर को मंच देकर अवसर प्रदान किया, जिसको लेकर आए सभी अतिथियों ने आभार जताया। वहीं इस मौके पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, एक दुर्ग के उभरते हुए नौजवान शायर है नवेद रजा, इनका 50वां जन्मदिन था। उसको हमारे जो ये कमला मोटर्स के प्रोपराइटर हैं कैलाश भरमेशा जी ने, इन्होंने खुद पूरा लीड लेकर के होस्ट बन करके के ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहिए
उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं उनको भी तहे दिल से बधाई देता हूँ, नवेद रजा जी को भी बधाई देता हूँ। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये कवि सम्मेलन और मुशायरों का जो एक सुनहरा दौर था वो ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है कि आज जो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और अंग्रेज़ी मीडियम और अंग्रेज़ी तालीम को जो इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, तो साहित्य की तरफ से सभी की नज़रें हट गई है। क्योंकि बच्चों पर बाल साहित्य जो पहले बच्चे लोगों को पढ़ने के हमारे ज़माने में दिया जाता था, आज बच्चों को उन किताबों को, उन मासिक पत्रिकाओं को, बाल साहित्य की जो पत्रिकाएँ हैं उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता है। क्योंकि बच्चे के पास में ट्यूशन, होमवर्क वगैरह के अलावा टाइम ही नहीं बचता है। तो सबसे बड़ी वजह है कि जब बाल साहित्य पढ़ा जाता था तो हमारे को कवि, कहानीकार, पत्रकार मिलते थे। आज बड़ा अफसोस की बात है कि पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई, अच्छा डिवीज़न, अच्छे मार्क्स और बाहर जाना है, ये बात दिमाग में रख कर के पढ़ाई की जाती है, जिससे साहित्य का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कविता और शायरी एक ऐसी चीज़ है कि ये चाहे इसको कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, ये कभी दब नहीं सकती, बल्कि इसको जितना दबाया जाता है ये उभरती है। क्योंकि कविता करने और शायरी करने के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं है। शब्दों का जो कोश है हर किसी के मन में है, और जब वो शब्द एक दूसरे में गुड़मुड़ होकर एक अच्छी आकार और एक अच्छा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो जज्बात का इजहार करने के लिए कविता और शायरी से कोई अच्छा माध्यम नहीं है। इसलिए ये मुशायरे और कवि सम्मेलन ज़रूर कम हो गए हैं, लेकिन शायरी, कविता हो या उर्दू गज़ल हो, ये कभी मर नहीं सकती, इसको कोई दबा नहीं सकता, इसको कभी मार नहीं सकता। और मेरा अपना तजुर्बा है कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभरती है। और फिर से मैं देख रहा हूँ अभी पिछले एक डेढ़ साल से, ये जो कोरोना के बाद में एक बार फिर से कवि सम्मेलन और शायरी, भले ही वो ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पहले हम लोग दुर्ग और भिलाई के कवि या ज़्यादा में ज़्यादा ऑल इंडिया मुशायरे होते थे और दो चार बड़े कवि आके अपना कलाम सुना के जाते थे। ऑनलाइन मुशायरों में मैं खुद शामिल हो रहा हूँ, कैनेडा, स्विट्ज़रलैंड, जापान, साउथ अफ्रीका, टर्की, यहाँ से भी हमारे पास लिंक आ जाता है और हम घर बैठे इंटरनेशनल मुशायरों और कवि सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं। ये कहना कि कवि सम्मेलन और मुशायरों का दौर ख़त्म हो गया है बिल्कुल गलत है, बल्कि ये दौर ने बहुत ऊंची उड़ान भर ली है और अब ये राष्ट्रीय नहीं होके अंतर्राष्ट्रीय दौर आ गया। कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, और ऐसे कार्यक्रम संस्कृति को बचाने के लिए, अपने साहित्य की संस्कृति को बचाने के लिए आवश्यक है, और जन सहयोग, सहसहयोग सभी को करते रहना चाहिए और कार्यक्रम में भागीदारी होकर गरिमा बढ़ाती रहना चाहिए। लोगों को आना चाहिए, सबके अंदर लेखक, कवि, हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है, उसको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत होती है और समय निकाल के ये कार्य भी करना चाहिए। इससे तनाव काफ़ी कम होता है, और मैं इसलिए सभी से अनुरोध करूँगा कि लेखक, लेखनी अपनी कविता, गजलें बचा के रखना चाहिए और उसको संवारते रहना चाहिए। उसी के तर्ज पर मैंने ये कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज के तौर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का शहर होकर आज इतनी बड़ी राष्ट्रीय संस्था मकस कहानी अधिकार पंकज अध्याय ने मुझे इतना बड़ा सम्मान मान दिया है, आज राष्ट्रीय रत्न का सम्मान दिया, और मैं आदरणीय कैलाश बरमेचा जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के तरफ से मुझे वकार छत्तीसगढ़ का जो सम्मान दिया है वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। और एक मैसेज मेरा ये है कि अगर मेहनत करते रहे और उस तरह की लगन से लिखना पढ़ना करते रहे और अच्छा लेखन करे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि छत्तीसगढ़ के अंदर से बहुत ऊँचे और अच्छे अच्छे साहित्यकार उभर के आएंगे। मगर वो हिम्मत नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी कलम को सिर्फ दबा के रखते हैं, किसी के सामने नहीं आते। मगर मैंने कम लिखा, अच्छा लिखा और अच्छे साथियों को साथ में रहा, उठा बैठा और उन्होंने मुझे उत्साहवर्धन किया, और आज मेरी एक कहानी भी आ गई, एक कहानी भी लिख रहा हूँ, गीत भी लिख रहा हूँ फिल्मों के लिए। मेरी फिल्मों के लिए कहानी सेलेक्ट भी हो चुकी है इश्क के खातिर, चंद कुछ दिन बाद उस पर पिक्चराइजेशन भी होगा। आज जो आज कविता और जो गज़लें जो छपी है मेरी रजा की कलम से, नवेद रजा का संकलन जो हुआ है मेरा, आज पूरा संकलन भी आज ना आज कैलाश बरमेचा जी के सहयोग से, उनकी पूरी मदद से आज मेरा संकलन आया है। इसके लिए मैं कैलाश बरमेचा की टीम को और राष्ट्रीय संस्थाओं को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भाई जो आज इस मुकाम पर पहुँचे, इनके पीछे इनका बहुत बड़ा मेहनत है, और इन्होंने आज से नहीं सालों से लगन के साथ
और अपने आत्मसात के साथ इस साहित्य को और शेर शायरी की दुनिया में आए हैं, और ऐसे कम समय में बहुत कम लोग इतने ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, और उसके पीछे लगन है, निष्ठा चाहिए, और उसके लिए एक सतत प्रयास होना चाहिए। मुझे नावेद भाई में दिखा, और नावेद भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं भी मुक्तकंठ साहित्य समिति का अध्यक्ष हूँ, और हम भी नए नए प्रतिभाओं को आगे लाने के प्रयास करते हैं। हम लोग मासिक पत्रिका भी निकालते हैं नावेद भाई के पेपर, हम लोग हर बार हम लोग कविता भी प्रकाशित करते रहते हैं, और इस तरह से नावेद भाई की और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, इस तरह से दिन प्रतिदिन और तरक्की करें और हमारे दुर्ग का और छत्रिका का नाम रोशन करें। मैं गोविंद पाल, मुक्तकंठ साहित्य समिति का अध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार, और मेरी भी एक दो दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।